नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वालों, 19 अप्रैल 20 अप्रैल और 21 अप्रैल का समय बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। जी हां, चारों तरफ से खतरा ही खतरा है। यूं कहें तो मुसीबत के खंजर दिल में चुभेगा। समय रहते संभल जाओ, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं आने वाले 3 दिनों में वह कौन कौन सी घटनाएं घटित होगी, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा और कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, किन किन क्षेत्रों में लाभ होगा और किन किन क्षेत्रों में मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और अंत में उपाय भी बताएंगे ताकि इनसे आसानी से बचाया जा सके। तो कुल मिलाकर वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले बालाजी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर दें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जाकर जय बालाजी जरूर लिखिएगा। आइए प्रारंभ करती हैं। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से हमारा यह एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करूं आप सबसे पहले देख सकें। आइए प्रारंभ करती हैं एक बहुत ही बड़ी अनमोल विचार के साथ। दोस्तों, वक्त से ज़्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता है। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं और वक्त पराया हो तो अपने भी पराए हो जाते हैं। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। दोस्तों, बात अगर आपको समझ आई तो वीडियो को लाइक करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में कहिएगा राधे राधे जय श्री कृष्ण। आइए अब बात करते हैं आने वाले 3 दिनों की। दोस्तों, यह समय राजनीतिक अथवा सामाजिक गतिविधियों में अपनी उपस्थिति बनाए रखें, इससे जनसंपर्क दायरा भी विस्तृत होगा। आपकी योजनाबद्ध व डिसिप्लिन तरीके से काम करने की कार्य प्रणाली से कई कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे तथा परिवार में भी अनुशासन बना रहेगा। इसके उपरांत अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो इस समय ध्यान रखें कि आलस की वजह से आपके काम रुक सकते हैं। अपरिचित लोगों के साथ कोई भी व्यवहार करते समय सावधानी भी बरतनी बेहद जरूरी है क्योंकि किसी प्रकार के धोखा होने की आशंका नजर आ रही है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे यह समय किसी को भी पैसे की उधारी देने से पहले वापसी सुनिश्चित कर लें, अन्यथा वह पैसा आपका फंस सकता है, डूब सकता है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे यह समय देखिए मनोरंजन जैसी गतिविधियों में तथा सुखद के लिए भी और समय निकालें। ऐसा करना आपके अंदर दोबारा नई ऊर्जा का संचार करेगा तथा रोजमर्रा की थकान से भी राहत मिलेगी। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे यह समय सामाजिक व धार्मिक गतिविधियों में भी समय व्यतीत होगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें किसी पारिवारिक सदस्य के वैवाहिक जीवन में विघटन संबंधी समस्या उत्पन्न होने से तनाव का माहौल रहेगा, परंतु आपके हस्तक्षेप और सुझाव से काफ़ी हद तक समाधान भी मिलेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे विद्यार्थी अपने किसी प्रोजेक्ट में नाकामी मिलने से टेंशन को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अन्यथा आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे यह समय आप किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाकर रखें तथा वर्तमान पर ही फोकस रहें। आपका वैज्ञानिक नजरिया और उन्नत सोच द्वारा कोई उपस्थिति भी हासिल होंगी। कोर्ट के संबंधी सरकारी मामले चल रहे हैं तो किसी की मदद से हल होने की संभावना नजर आ रही है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे कभी कभी अकारण ही क्रोध हावी हो जाना आपके बनते कार्यों को भी बिगाड़ सकता है। आपके लिए बेहतर यही होगा गुस्से से आप
जितना हो सके दूरी बनाकर रखी तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके उपरांत किसी रिश्तेदार या घनिष्ठ व्यक्तियों से संबंधित कोई अप्रिय घटना होने से मन कुछ उदासी रहेगी। रुपये पैसे के मामले में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना आपको इस समय मुश्किल में डाल सकता है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे यह समय सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आपके काम करने की तरीके तारीफ होंगी और संतान के कैरियर संबंधी किसी समस्या का हल निकलने से बहुत सुकून और राहत महसूस होगी। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे आप अपने निजी कामों पर अच्छे से ध्यान दे पाएंगे और किसी किसी समय पर आप अपने स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन भी महसूस कर सकती हैं और अपनी इस कमी को सुधारने की कोशिश करना इसका असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा। यात्रा संबंधी किसी भी कार्य को स्थगित रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई लाभ की उम्मीद नहीं है, सिर्फ आपको नुकसान होगा। इसके उपरांत अगर आपकी व्यवसाय को लेकर बात करें तो यह समय बिजनेस में पिछले कुछ समय से कामों में जो रुकावटें आ रही थी वो अब किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मदद से आगे बढ़ेंगे। पैसों के लेन देन संबंधित कामों को स्थगित रखना ही आपके लिए बेहतर साबित होगा। नौकरी पेशा लोगों को काम की अधिकता की वजह से ओवर टाइम काम भी करना पड़ सकता है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे आपके नौकरी बिजनेस के लिए जो समय होंगे यह समय ग्रह स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थितियां बना रही है। बिजनेस में संपर्क सूत्रों का दायरा और बढ़ाएं। पारिवारिक तनाव को अपने काम पर हावी न होने दें। ऑफिस में अपनी फाइलें और कामकाज को देखिए बहुत अधिक संभाल कर रखने की जरूरत होगी। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे यह समय व्यापार से संबंधित किसी भी फोन कॉल को नज़रअंदाज ना करें। महत्वपूर्ण सूचना मिलने वाली है और आपको बता दें पब्लिक और डीलिंग संबंधित मार्केटिंग संबंधी कामों में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी को पैसा उधार देने से आपको समय बचना होगा, क्योंकि वापसी आने की उम्मीद नहीं है। ऑफिस का माहौल सुखद बना रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि यह समय यात्रा करना आपको समय नुकसान दे सकता है, इसलिए अगर किसी प्रकार की यात्रा है तो उसे स्थगित रखना ही आपके लिए बेहतर होगा। इसके उपरांत अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय घर में अनुशासनपूर्ण वातावरण रहेगा। सभी सदस्यों का अपने कार्यों के प्रति समर्पण आपकी जिम्मेदारियों को कम करेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे यह समय पति पत्नी का आपसी सहयोग घर के वातावरण को व्यवस्थित रखने में सक्षम रहेगा। प्रेम संबंधों में भी मधुरता रहेगी। इसके उपरांत अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो यह समय अपने काम की वजह से पैरों तथा कमर दर्द में आपकी समस्या बढ़ सकती है और उचित आहार व आराम दोनों पर ध्यान देना आपके लिए अति आवश्यक होंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे यह समय अत्यधिक जिम्मेदारियों की वजह से आप अपने अंदर ऊर्जा व आत्मबल की कमी महसूस करेंगे। योग और मेडिटेशन में भी कुछ समय जरूर व्यतीत करें। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं उपाय की। देखिए एक कांच के पात्र में या एक कटोरी में थोड़ा सा मोटा नमक ले लें और उस कटोरी में नमक के साथ 4-5 लौंग भी रखें और इसे आप घर के किसी कोने में रख दें और इस उपाय को करने से धन की जो आवक है शुरू होगी और घर की चीज़ों में बरकत होना भी